मित्रों, इस समय मैं हूँ चित्रकूट के पास में स्थित मानिकपुर के जंगलों के बीच में बसा है ये शबरी जलप्रपात। और आप देखेंगे उस जो आपको ये रेलिंग दिखाई दे रही है उसकी उस साइड जो बन रहा है वो हमारा मध्य प्रदेश है और ये सारा कुछ आता है उत्तर प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर चल रहा है हर जगह जहाँ भी हम जा रहे हैं। तो मित्रों, यहाँ से तीन धाराएं निकलती हैं जिसे त्रिवेणी बोलते हैं और ये तीनों धाराएं जो है पीछे सरभंग ऋषि जी का आश्रम है उस तरफ से आती हैं और ये तीनों धाराएं मिलके जो है वो बनाती हैं शबरी जलप्रपात। और ये शबरी जलप्रपात जाके मिलता है हमारा मंदाकिनी नदी, जो हमारे रामघाट पे चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है वहाँ पे जाके फॉल मिल जाता है। तो ये सारा जो है ये हमारा आता मानिकपुर के जंगलों के बीच में स्थित है और ये हमारा मारकुंडी गांव के बिल्कुल 10 किलोमीटर की रेंज में पड़ता है और बहुत ही सुंदर एरिया, चारों तरफ देखिए कितना विशाल क्षेत्र में फैला है। और साथ ही यहाँ पे एक धनुष बाण भी बनाया जा रहा है, अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे। पहले हम आपको दिखाते हैं जहाँ से ये धाराएँ गिरती हैं वो जगह दिखाते हैं। शबरी जल प्रपात या शबरी झरना चित्रकूट जिले के अंतर्गत आता है। ये झरना डुडेला गांव निकट बंबिया और टिकरिया ग्राम पंचायत में स्थित है। ये मारकुंडी से 10 किलोमीटर, मझगवा एमपी से 13 किलोमीटर, मानिकपुर से 32 किलोमीटर और चित्रकूट धाम से 47 किलोमीटर दूर है। बांदा से इसकी दूरी 108 किलोमीटर है। ये कहा जाता है कि भगवान राम जी ने शबरी मैया से फल खाने के बाद इसी स्थान पर स्नान किया था और इस स्थान का नाम शबरी मैया के नाम पर शबरी जलप्रपात पड़ा, जो कि अब बदलकर तुलसी जलप्रपात रख दिया गया है। और कहीं से पक्का रास्ता तो कहीं पर कच्चा रास्ता और कच्चे रास्ते के बाद फिर पक्का रास्ता, तो इस तरीके के रास्ते को पार करने के बाद हम पहुंचने वाले हैं उस स्थान पर जहां पर देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि वहां दूर दूर तक आपको हरियाली और बहुत सारी चीजें भी जानने को मिलेंगी और जहां पे श्री राम जी का धनुष भी बहुत विशाल धनुष बनाया जा रहा है। तो हम वो सब कुछ दिखाएंगे और हम बस पहुंचने वाले हैं उस स्थान पर जहां पर पहुंचने के बाद लेफ्ट टर्न, मतलब आप देखेंगे इस जगह पे जब हम पहुंचेंगे तो हमें बाईं तरफ मुड़ना होता है इस जगह से और बाईं तरफ मुड़कर सीधा जाने पर हम पहुंच जाते हैं शबरी जलप्रपात की तरफ या तुलसी जलप्रपात की तरफ। और मित्रों, ये स्थान इतना ज्यादा जंगल में, इतने ज्यादा बीहड़ में है कि यहाँ पर डकैत जो है वो बहुत ज्यादा पाए जाते थे और आज भी यहाँ पर डकैत छुपने के लिए रहते हैं। तो मतलब ये स्थान डकैतों का प्रिय स्थान रहा है जहाँ पर वो छुपे रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते। अब तो प्रशासन ने फिर भी थोड़ी सी व्यवस्थाएं कर दी हैं तो कुछ लोग, हम जैसे कुछ लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पर, लेकिन पहले यहाँ पर बहुत ही कम लोग जाते थे। तो यहाँ पर जानवर भी बहुत हैं, डकैत भी बहुत हैं, तो इसलिए यहाँ पर आना जाना थोड़ा सा कम था, लेकिन अब ये कि अब धीरे धीरे शुरू हो चुका है। और अब देखिए हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं और ये रहा वो गेट जिससे हम पहुंच रहे हैं अब इसके अंदर। राम राम भैया, इसमें शीशा लगना है। हाँ, और इसमें आप धनुष बाण जो बना रहे हो बन गया, वो तैयार है, अभी हम देख सकते क्या उसको? हाँ, इधर से जाएंगे ऐसे जाओ। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे इधर से ये रास्ते से जा सकते हैं? ऐसे चले जाओ या ये रास्ता बन जाएगा। अच्छा, ये जो है कुंड, जो है कुंड भी पार हो जाता है ये जी जो बना रहे हैं हम ध्वजमान, ये पार करते हैं, लेकिन बीच में जो एमपी पड़ेगी ना इसमें। तो जैसा कि भैया ने बताया कि यहाँ पर जो धनुष बाण बनाया जा रहा है श्री राम जी का, वो इतना विशाल है कि अगर वो मध्य प्रदेश का बॉर्डर आगे ना होता तो वो उस पार तक भी ले जा सकते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर की वजह से उनको थोड़ा सा इस साइड ही रखना पड़ा है। तो ये बहुत दूर दूर तक फैला हुआ आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ऐसे आपको बीहड़ लग रहा है, लेकिन जब हम पास में पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। जलप्रपात की जो जगह है वो तो आपको दिखेगी, जहाँ पर श्री राम जी ने माता शबरी से बेर खाने के बाद स्नान किया था आके, वो तो है ही, साथ में धनुष बाण भी है और साथ में हम आपको बहुत सारे अलग तरह के कुछ पौधे और पेड़ और वो सब कुछ भी आपको दिखाएंगे। तो पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़कर पहुंचते हैं उस स्थान पर जहां पर शबरी जलप्रपात या तुलसी जलप्रपात जिसे हम कह रहे हैं, अभी इस समय बदल दिया गया इसका नाम, तो वहां पर हम पहुंचते हैं और वो जगह आपको दिखाते हैं।
तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उस जगह की तरफ जहां पर एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट, मतलब कि जहां पर श्री राम जी का धनुष बाण बनाया जा रहा है। तो बताया जा रहा है बहुत ही विशाल और बहुत ही विशाल एरिया में भी बनाया जा रहा है। तो हम उस तरफ चलते हैं। रास्ते में देखिए हवा इतनी तेज चल रही है, बहुत ही आवाज़ देखिए हवा की कितनी तेज आ रही है। और इधर आप देखेंगे दूर दूर तक बस आपको बीहड़ ही बीहड़ नज़र आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और चूंकि अभी बारिश का टाइम नहीं है तो इसलिए पूरा सूखा पड़ा हुआ चारों तरफ, नहीं तो कहते हैं कि इस ऊपरी लेवल तक पानी पूरा आ जाता था, मतलब इतना ज़्यादा जल का प्रवाह होता था। हम इधर से आ सकते हैं क्या? अच्छा, अभी इसका काम चल ही रहा भैया, है ना? ये है, ये पूरी आप बता रहे धनुष बन रहा है ना, ये पीछे पूरा तीर कौन सा है ना? अच्छा, ये बीच का जो ये वाला सेंट्रल एरिया जो है ये पूरा तीर है, और ये जो आप बता रहे हैं ये पूरा जो ये है ये पूरा धनुष है। ओह वाह, बहुत सुंदर। और ये जो ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट में लग, ये रहेगा ये तो हमेशा ही, हाँ इसको सपोर्ट देने के लिए। हाँ समझ गई, ये सपोर्टर रहे हैं बीच बीच में। ये आप लोग देख रहे हो क्या इसका? अच्छा, तो बताओ आप थोड़ा सा यहाँ कि ये धनुष बाण बनाने का कैसे क्या है, शुरू हुआ कैसे हुआ? सरकार की तरफ से ही है? सरकार की तरफ से है, वन विभाग की जगह है। अच्छा, और तुलसी जलप्रपात। हाँ तुलसी जलप्रपात, इसको शबरी जलप्रपात भी कहते हैं, कहते थे तो कैंसिल करके तुलसी, अब नाम चेंज कर दिया। अच्छा, तो मित्रों आपको जैसे दिखाई दे रहा है ये जो तुलसी जलप्रपात के नाम से है, पहले इसको शबरी जलप्रपात बोलते थे। तो यहाँ पर ये पूरा धनुष की शेप है ये, और ये बीच में जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये एरो जा रहा है। तो ये धनुष बाण की शेप में यहाँ पे अभी तो काम चल ही रहा है इनका, भैया ने जैसे कि बताया, अभी इसे पूरा कांच वांच लग के और पूरा अच्छे से इसका पूरा मेंटेन किया जाएगा इसको। तो फिर जब इसका एरियल व्यू आप देखेंगे या सामने से भी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर धनुष बाण दिखाई देगा। तो इस तरीके का यहाँ पे बनाया जा रहा है। वो कह रहे थे कि पैशुनी नदी तो लुप्त हो जाती है वहाँ पे जाके, ऐसा कुछ? यहाँ से लुप्त है। फिर अनुसुईया माता में निकलती है। और पीछे कहाँ से आ रही है? पीछे आ रही है ब्रह्मकुंड है, 15 किलोमीटर के बाद जी उद्गम है इनका। अच्छा, ब्रह्मकुंड से पैशुनी नदी का उद्गम है, यहाँ पे अपना शबरी जलप्रपात में ये लुप्त हो जाती है, फिर ये माता अनुसुईया में निकलती है जाके। देख रेख में है, मतलब आप पूरी देख रेख कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी के धनुष बाण की यहाँ पे। क्या नाम है आपका? तिलकधारी वर्मा। तिलकधारी वर्मा, वर्मा जी। अच्छा, तो यहीं पे आपकी ड्यूटी रहती है? कब से काम कर रहे हैं आप? साल भर हो गए। साल भर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है तेंदू पत्ता, इसकी बनती है बीड़ी, जो सिगरेट बीड़ी जो होती है ना, बीड़ी यूज़ की जाती है वो बनती है। तो बीड़ी के साथ साथ इसमें एक फल होता है, वो बहुत ही बढ़िया फल होता है, खाने में चीकू जैसा लगता है। तो अभी तो इस पौधे पे नहीं है, नहीं तो हम आपको दिखाते। फिलहाल ये वो पत्ता है जो हम बीड़ी में यूज़ करते हैं, इसे बोलते हैं यहाँ के चित्रकूट की भाषा में तेंदू पत्ता बोला। और यहाँ पर भैया जी बता रहे हैं कि किस तरह से जब यहाँ पर बारिश होती है उस टाइम पे जो जल प्रपात होता है उसका वेग इतना ज़्यादा होता है कि उसका फव्वारा से ऊपर खड़े हुए लोगों तक पहुँचता है वो, मतलब इसका तेज प्रवाह इतना ज़्यादा होता है। यहाँ बरसात में अच्छा, आप किनारे पे खड़े हो जाएंगे एकदम धुआं है, धुआं फुहारे से भीग जाएंगे आप। अच्छा, धुआं से, धुएं के फुहारे से भीग जाएंगे ऊपर खड़े हुए। और आवाज इसकी जाती है कम से कम 4 किलोमीटर, जैसा कोई कंपनी चल रही है, झरझर की आवाज जाती है। तो ये बरसात में देखने को ज्यादा मिलता है, बहुत अच्छा। क्या लगा भैया इसके ऊपर ये सब? ये छूला है, इसके मतलब फूल बनने की डोंडियां आ रही हैं। हाँ। अभी 1 महीने के बाद इसमें एकदम बड़े गुलाब जैसे लाल फूल खिल जाएगा। अच्छा, और ये जो काले काला दिख रहा है ये क्या? इसी में फूल, इसी में लाल फूल आ जाएंगे। ओह, क्या नाम बताया इसका? छूला। छूला जी। ओह, सारे जंगल में मतलब 1 महीने के बाद एकदम लाल ही लाल दिखेगा। अच्छा, जितना भी काले काले दिख रहा है सारा लाल हो जाएगा।
ये मेड़की क्यों बोलते हैं इस वाली घास को? मेड़की इसका नाम ही है। मेड़की मेड़की की तरह दिखती है। मेड़की मेड़की मेड़क वाली। हाँ, मेड़की है। इसके जो फल है ना, अभी एक महीने पहले यहाँ पे कटा हुआ है, ये सब काट के यहाँ पे वहाँ मानीपुर में बेचते थे। अच्छा, तो इसके ये बिकती भी है? तो ये क्या जानवर वगैरह खाते, क्या क्यों नहीं, बिकता है? औषधि के लिए ले जाते हैं, औषधि के लिए। अच्छा, तो इस तरह से इन्होंने बताया कि जितने भी मेड़की के पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे औषधि के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो अब इस तरह से हम पूरा ये जलप्रपात का एरिया देखने के बाद निकल रहे हैं बाहर। तो अब हम आ गए हैं इस जलप्रपात के एरिया से बाहर, और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अब हम आपको मिलेंगे एक अगली जगह में, अगली कहानी और अगली चीजों के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो।